इनका वीडियो बना रहे हैं, हमारा कोई वीडियो बनाएगा? बात वीडियो की नहीं है, बात ये है कि लोगों को दिखा तो दें कि सेफ्टी रहे। महसूस हो रहा है तो देख रहा है, पूरा शमशान घाट भर गया, जगह नहीं है क्या और कहीं जलाया जाए। लाशों की गिनती नहीं है भाई, कितना लाश है। एक साथ 25 लाश जलने आ रहा, जल रहा है। दिल्ली अपने सबसे बुरे दौर में से निकल रही है, इतने बुरे हालात हैं, हॉस्पिटलों में बेड तो छोड़ो, अब तो अंतिम संस्कार करने के लिए जगह लेने के लिए भी सिफारिश करनी पड़ रही है। मैं पंजाबी बाग को आपको बता रहा हूं, सुबह से मैं सिफारिश करके लोगों के संस्कार वहां पे करवा रहा हूं। 45 संस्कार क्रिमेशन ग्राउंड पंजाबी बाग में हो चुके हैं और सीएनजी जो साथ में पंजाबी बाग का, उसमें 23 संस्कार अब तक हो चुके हैं शाम को 6 बजे तक, और 10 लाशें अभी बाहर पड़ी हैं जब मैं वहां से निकल रहा हूं। इतने बुरे हालात हैं दिल्ली के। अरविंद केजरीवाल जी से मैं आग्रह करता हूं, दिल्ली के कई परिवारों से मैं सुबह से लेकर शाम तक पिछले 3 दिन से लगातार बात कर रहा हूं, जिनकी या तो हॉस्पिटल में बेड नहीं मिल रहा, या तो डॉक्टर बाहर हॉस्पिटल के बाहर खड़े तो इलाज नहीं हो रहा, और रो रहे हैं लोग, चिल्ला रहे हैं, दिल्ली बर्बादी की तरफ बढ़ती जा रही है। और मैं दावे से कह सकता हूं, अगर इसको नहीं रोका गया, अगर इसको नहीं संभाला गया, तो 15 दिन बाद ये लाशें सड़कों के ऊपर आ जाएंगी, लोगों के पास संस्कार करने को जगह नहीं होगी, लोगों की लाशों की लाइनें दिल्ली में लग जाएंगी। मैं अरविंद केजरीवाल जी से हाथ जोड़ के आग्रह करता हूं, हमारी दिल्ली को बचाओ, आप आगे आओ, टीवी पे आने की बजाय सड़क पे उतर कर देखो। और इसका क्या हल है, हॉस्पिटल के बेड नहीं है, मेकशिफ्ट आपने हॉस्पिटल बनाने की बात की थी, कुछ नहीं हो रहा, दिल्ली बर्बाद हो रही है, दिल्ली को बचाओ।